दुनिया में फैली अराजकता के बीच अब किसी भी उम्र की महिला सुरक्षित नहीं है, यह कहीं ना कहीं सिद्ध होता है। मटोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक विनय भंग का मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात आरोपी ने 36 वर्षीय महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने प्रतिकार करते हुए शोर मचाया, जिससे आरोपी भाग खड़ा हुआ। दुनिया में बढ़ रहे अराजक मामले जनता और विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल या निशान उपस्थित करते हैं। इसी बीच वाठोड़ा पुलिस थाना के हद में घटित हुआ विनय भंग के इस मामले में स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल महिला प्रतिदिन उपदेश हेतु विहार जाती है। रोज की तरह वह कल शाम भी 7:30 बजे के दौरान विहार से घर लौट रही थी, और इसी बीच किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मुंह को दबाकर झाड़ियों के पीछे घसीटा और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिसका प्रतिकार करते हुए महिला ने आरोपी पर नाखून से वार किए और प्रतिकार करते हुए महिला ने शोर मचाया। इसी दौरान आरोपी भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पीड़ित महिला ने वाठोड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसका संज्ञान लेते हुए वाठोड़ा पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गणेश जामदार ने। गुन्हा या संदर्भात गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु चाकूचा धार दाखवून गुन्हा झालाय हे सर्वथा चुकीचे आणि खोटे आहे। या संदर्भात मी सांगेल की एक 36 वर्षाची महिला आहे, ती देवदर्शन करून तिच्या परत घरी जात असताना संध्याकाळी 7:30 सुमारास ती पायी जात होती, पाठीमागून एक अननोन इसम आला आणि त्याने तिचं तोंड लावलं आणि त्या दोघात झटापट झालेली आहे। त्या झटापटीमध्ये त्या आरोपीला देखील जखम झालेली आहे आणि तो पडून गेलेला आहे। यामध्ये कुठल्याही शस्त्राचा वापर झालेला नाही आणि आरोपी हा एकच होता, अननोन होता आणि तो पायी आला आणि पायी पडून गेलेला आहे। आजूबाजूचे CCTV फुटेज आम्ही चेक करत आहोत, तपास चालू आहे, लवकरच आम्ही त्या आरोपीला पकडू। तो स्पॉट सांगितला तर तिचं लोकेशन आयडेंटिफाय होईल, त्यामुळे मी ते सांगू शकत नाही। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।